चिल्लाई क्या बस के करबा? मिथिलेश तू ऐजे बैठा रहिया, उठिया मत। पूजा पर से उठला आप सगुन होला बेटा, हमनी देख के आवत हनी के बा। चल चल, चल। चीख क्या सुनाई थी? सब लोग मिथवा को छोड़कर चले गए, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो वहाँ मेरे कमरे में चीखने की आवाज़ किसकी आई? कौन हो सकता है? संगमित्रा के मोबाइल के घंटी बजता। अरे वो तो ठीक बा, बाकी मोबाइल के घंटी ऐसा ना क्यों रखेला? दादा हो दादा, हमने का पराने निकल गए रहते इतने में तो। अरे जितना अतरंगी हूँ बिया, उससे ज्यादा अतरंगी होकर मोबाइल बा। बहुत हुआ चीखना चिल्लाना। मितवा, तुम्हारे घर वाले भी ना बहुत डरपोक है। अंदर कोई नहीं चीख रहा था, बल्कि मेरा फोन बज रहा था। वो क्या है कि मैंने रिंगटोन ही चीखने वाली लगा रखी है। आजकल जब तक कोई चीखता नहीं, तब तक कानों तक आवाज ही नहीं पड़ती। अच्छा वो सब छोड़ ले, कुछ देर में खुद ब खुद अपने आप आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ ठीक, बस ठीक। तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? हमारा मतलब कहला के मतलब कि तू बहुत सुंदर लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। थैंक यू मितवा। मैं क्या सोच रही हूँ कि जब तक वो लोग नहीं आ जाते, तब तक मैं ही तुम्हारी आरती उतार देती हूँ। अब इनकर के किससे मना करी, कहीं बुरा मत मान जास। दीदी जी, तो वे खानदानी साड़ी हो चंद खोजत रही हो। संगमित्रा, दीदी जी मिथिलेश के सामने ना ना तो कौन लोग बात बिगड़ जाए। अभी पहले सब लोग आरती कर लिया जाए, ओकर बाद देखल जाए। अरे आप लोग भी बड़े अजीब हैं, ये आरती की थाली छोड़कर कहाँ चले गए थे? ऐसा नहीं किया जाता, ये अपशगुन माना जाता है। मैंने मितवा की आरती उतार दी है, आइए आप लोग भी उसकी आरती उतार दीजिए। अरे क्या हुआ, आइए ना आरती कर दीजिए। आओ रितु, अब तुम्हारी बारी है, मितवा की आरती उतार दो। एक मिनट, फोन आता। हेलो जी, अगली मिनट का बस हमारा माई वो हमारा नाच मंडली से एक सदस्य सेलवान उनका सब मिल के आओ तनी, तले तो लोग आगे के प्रोग्राम करा जाले, हम आओ तनी।
ई हमार खानदानी साड़ी तू कैसे पहन लू? ये हमार सास के साड़ी बा, ई साड़ी हम रीतू खातिर निकाल के रखले रहनी, बिना हमरा से पूछ ले तू कैसे पहन ले लू? आंटी से पूछने वाली क्या बात है? आज मेरा साड़ी पहनने का मन था तो मुझे जो साड़ी मिली मैंने पहन ली। तो हर मन जे करी वो करबू। संगमित्रा, जब से तू ही घर में आयल बाड़ू ना, सबके परेशान कर देले बाड़ू। सबके जे जी में आवता वो बोलताड़ू, वो करताड़ू। एगो बात कान खोल के सुनना, तू मिथिलेश के बाबूजी के दोस्त के बेटी बाड़ू, वहीं से हम चुप बानी। बाकी हर एक चीज के एगो सीमा होला, उस सीमा लांगे की कोशिश मत करिया। हमरा से बिना पूछ ले ई साड़ी तू कैसे पहन ले लू? चुप कर बुढ़िया, अगर एक शब्द और बोली ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? अरे तू चुप काहे बाड़ू, जबान पर ताला लग गई का? बोला ई साड़ी काहे पहलू तू? आंटी, अगर मेरी जगह कोई पागल लड़की होती तो आपकी बात का बुरा मान जाती। लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है अगर गलती हो जाए तो बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे किसी का हक मारना पसंद नहीं। आपने ये साड़ी रितु के लिए निकाली है तो इस पर रितु का ही हक है। मैं हिस्सा नहीं मारती, मैं डायरेक्ट छीन लेती हूँ। ये साड़ी भले रितु ले ले पर रितु से मितवा को मैं छीन लूंगी। मैं अभी ये साड़ी रितु को वापस कर देती हूँ। अरे ना संगमित्रा, जब तू साड़ी पहन ले ले बड़ू तो निकाले की कोनो जरूरत नहीं है। हम दूसरी साड़ी पहन ले। थैंक यू रितु, तुम बहुत अच्छी हो। जितना हम समझत रहनी हा ये तो ओहू से बड़ खिलाड़ी निकला। हेकरा बारे में तो हमरा अच्छा से पता लगाओ के पड़े। ठीक आ कहलू तू? तू जाने लू ना वो गलत कहले बिया, फिर इतना दरिया दिल दिखाए का जरूरत रहे? जाए दीना, संगमित्रा अपन गलती स्वीकार कर ली है ना। अरे कुकुर के पोछिया कबो ना सुधरी, देखी हा फिर कोनो गलती कर। नागेश जी हमरा के बतावले रहने की संगमित्रा उनकरों से भिड़ गई रही, अब पता बा उनकर फोनो तोड़ देली। हाँ सही बात है, मिथिलेश जी आजकल हमरा से नाराज चलता रे, उते हमरा से ठीक से बात भी नहीं की कर। कम से कम केहू तबाई घर में जिकरा से मिथिलेश जी बात कर सके, समय बिता सके। वैसे भी मिथिलेश जी के खुशी में ही हमार खुशी बा, हमरा के संगमित्रा से कोनो दिक्कत नहीं है। और हमरा हिसाब से रउआ लोग के भी ना होके के चाहिए। और सोची संगमित्रा तो मिथिलेश जी के ऊपर किताब लिखत रही, मिथिलेश जी खातिर कितना बड़ बात बा, हा कि ना? देखिए संगमित्रा थोड़ी नादान बाड़ी, रउआ सभी उनका के माफ कर दी। अगर वो कुछ तनी मनी गलती भी कर तरी ना ओकरा के नजरअंदाज कर दी। जब काम इक्के को मोबाइल से हो सकेला ते संग मितरा वा दुदू को मोबाइल काहे रख ले बिया, आखिर चक्कर का बा?
लिया, मैंने आंटी को पकड़ लिया, मैंने रज्जू आंटी को पकड़ लिया। छोड़ो संगीता, छोड़ो हमरा के। छोड़ दूंगी, मगर ये बताओ मेरे कमरे में ताकझांक क्यों कर रही थी? बताओ बताओ। अरे तो पहले छोड़ दो, तब ना बताएगी का। छोड़ छोड़ दिया। अब बताओ क्यों झांक रही थी मेरे कमरे में? हम झांकत ना रही तेरा रूम में, हम तो तेरा के खोजी आई रही हूं। क्यों, मैं खो गई थी क्या जो आप मुझे ढूंढ रही थी? अरे ना ना, ओ खाती ना। अरे पार्टी में सब लोग बा तो तोहरो रहे के चाहिए, यही से हम आई नहीं है तारा के देख तो देखनी है कि दूध को मोबाइल तो धोले बड़ू जा तो सोचनी है कि तार मोबाइल तारा के ले जाके दे दी और का। बस इतनी सी बात तो आप मुझे फोन कर लेती, मैं आ जाती। तार नंबर कहाँ बा हमरा लगे, तू अपना आंटी के कुछ बुझबे ना करे लू, बुझ तू तो नंबर ना दे दे तू। तो ये कौन सी बड़ी बात है, अभी ले लो मेरा नंबर। बाकी तारा लगे तो दूदू को नंबर बा। हाँ, एक से चीखने की आवाज आती है। दूसर का से? आप खुद ही फोन करके देख लो। लाओ अभी सेव कर देती हूँ अपना नंबर आपके फोन में। हाँ। कुकुर के भौंके के आवाज के लगा हुआ हो मोबाइल में? जो लोग मुझे पसंद आते हैं उन्हें मैं चीखने वाले मोबाइल का नंबर देती हूँ, और जो लोग मुझे पसंद नहीं आते उन्हें कुत्ते वाला भौं भौं। नमस्कार नमस्कार। हाँ एकदम बिल्कुल सही समय पर आ जाइए, तनको देर होवे के ना चाहिए। हाँ गोपू। हाँ दीदी। ये गिफ्ट के स्टिकर्स का है, ये सारे के सारे रिटर्न गिफ्ट है, ये बच्चों के हैं और ये बड़ों के हैं, तो स्टिकर लाओ जल्दी। दीदी स्टिकर तो नहीं खे। तो लेकर आओ जल्दी। हाँ दीदी हम लेके आ बतानी। अरे चाचा जी व्हाइट बलून क्यों है, येलो बोला था ना, येलो के साथ मिक्स करो इन्हें। पीला कलर भी बार बेटा। अच्छा भोला ये सब तुम देख लोगे ना प्लीज, ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है, और प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके आंटी जी वो खाने पीने का हो गया क्या? अगर कुछ भी नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि इतना तो आप संभाल ही सकती है ना, और मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। दीदी जी ये कुछ बेसी नहीं क्या उड़ा मिथिलेश के चलते हम चुप बने, ना तो इनकर तो हम एक मिनट में उपाय कर दे। एक और उपाय तो हमरा कर ही के पड़ी, पता लगावे के पड़ी कि चीज का है। अरे लागल तो ना मितवा, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, किसी की नजर ना लग जाए। तारीफ करे खाती बहुत बहुत धन्यवाद। वो अंग्रेजी में क्या कह जलाओ करके? थैंक यू। मेरी भी तारीफ करो ना मितवा, तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं भी कितनी अच्छी लग रही हूँ? बोलो ना। मैं समझ सकती हूँ मितवा, तुम बोलना तो चाहते हो मगर बोलने में हिचकिचा रहे हो। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुमसे बुलवा ही लूंगी। बड़े होने के बाद हम दोनों का साथ में एक भी फोटो नहीं है, और उस गुंडे नागेश ने भी मेरा तुम्हारे साथ एक भी फोटो नहीं लिया। अब मैं सेल्फी ले लूं? ठीक है। ठीक है।
अरे हाँ, मैं खाना भुलाई गई नहीं है। तरह पता बटे आज जन्मदिन के पार्टी में खे हो तटे एक वैसा दोस्त जकर नाम सुन के तू बहुत खुश हुई। कौन? उनका रहेगा तू खूब बढ़िया से बचपन से जानता रही। चलो ठीक बात तार उनके नाम बताए तो नहीं। प्रभु दयाल नाम याद बाकी वो भुला गई। प्रभु दयाल, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? उससे मिलने का तो मुझे भी बड़ा इंतजार है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक बेटे। मिलेश भैया। भैया रघुआ कहाँ रहे नहीं? जनता नहीं आज संगमित्रा की वजह से कहा भाई? कहाँ भाई? भैया संगमित्रा ये जौन साड़ी पहनने बाड़ी ना, अम्मा जी ये साड़ी तो भाभी के खातिर निकल ले रहे। पर संगमित्रा अम्मा जी से पूछले बिना वो साड़ी पहन ली। बस यही से अम्मा जी बहुत नाराज बनी संगमित्रा से। संगमित्रा साड़ी पहन ली तुम्हें कौन बड़ बात बा? अरे माई के तई बात की खूब बढ़िया से पता बटे कि जोन मित्रा बड़ी तो उनकर जोन आदत बटे वो बचपना वाला बटे। अगर वो साड़ी पहन भी ले ली तो ये छोट मोट बात से माई के परेशान ना हो गए के चाहे। भैया संगमित्रा की ये छोट मोट बात कल को कौन बड़ बात ना बन जाए। मतलब? मतलब ये मिथिलेश भैया कि संगमित्रा के अब ही रहुआ और ऋतु भाभी के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं थे। रहुआ ऋतु भाभी के साथ जॉन गलत बर्ताव करे के नाटक करा था नहीं, ये बात सिर्फ हमारा के पता बा। पर जरा सोची अगर संगमित्रा रहुआ के ऋतु भाभी के साथ ऐसे बर्ताव करे के देखी है तब वो कुछ गलत ना समझ लिए। भैया जब तक ये बात परिवार वालों के बीच में हुआ तब तक ठीक बा, पर कौन भी हाल में ये बात संगमित्रा के पता ना चले के चाहिए। भला जी आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन हम कहा करीब वो मित्रा इतना अचानक से इस समय पागल बड़ी कि हम कुछ कह ना सकें। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि ये बात के हम पता लगे ना दिन मुख रखें चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक बा भैया, लेकिन ये काम रहुआ खातिर इतना आसान ना हुई। मतलब समझी कि रहुआ की परीक्षा बा। जब से संगमित्रा घर में आई बिया तब से हमरा उकोरा ऊपर सकरल जरूर कोनो ना कोनो राज छुपावत दिया। हमरा एक एक बात ओकरा बारे में पता लगाव के पड़े। सारा रूम हम खंगाल दे शायद कुछ तो ओकरा बारे में हमरा पता चले। मुझे किसी भी हाल में प्रभु दयाल का नंबर चाहिए। बचपन में उसी की वजह से मैं मितवा से दूर हुई थी। कितने सालों से ढूंढ रही हूँ उसे। मितवा ने उसका नंबर कहीं तो लिखा होगा। संगमित्रा पागल का? बाप रे बाप, पागल है कि ये? कहीं हमारे साथ कुछ? ना ना ना, हमारे कुछ करके पड़े। चाची जी रोवा संगमित्रा के कमरा में क्या करते नहीं? अरे ओकरा के संगमित्रा के समझावे आए रनिया कि वो घर वाला लोग के बात के बुरा ना माने। तो ही कहले रलू कि ई संगमित्रा मिथिलेश पर किताब लिखे आयल बड़ी तो कहीं मधु दीदी के बात से नाराज होके वो चोर बच जास तो मिथिलेश की किताब तो अधूरा न रह जाई। यही से ओकरा के समझावे आए रनिया। अच्छा वैसे संगमित्रा बाड़ी कहाँ? उन्हें के खोजत खोजत तो ही नहीं हमें जा।
ये तो गेस्ट लिस्ट है, यही तो मैं ढूंढ रही थी। अगर मितवा ने प्रभु दयाल को बुलाया है तो उसका भी नंबर इसी में होगा। प्रभु दयाल, संगमित्रा,